भोपाल में नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण का आरोपी प्यारे मियां श्रीनगर में पकड़ा गया है। पुलिस अब उसे भोपाल ला रही है। भोपाल साउथ पुलिस अधीक्षक साई थोटा ने प्यारे मियां के कश्मीर से गिरफ्तार होने की पुष्टि की है। रविवार को नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटना का खुलासा होने के बाद वो फरार हो गया था। प्यारे मियां की सूचना देने पर 30,000 का इनाम घोषित किया गया था। भोपाल के थाना शाहपुरा में प्यारे मियां के खिलाफ पास्को एक्ट सहित कई मामले दर्ज हैं। पुलिस को जानकारी मिली थी कि वो श्रीनगर में फरारी काट रहा है। इस सूचना के आधार पर भोपाल पुलिस ने श्रीनगर पुलिस के सहयोग से उसे गिरफ्तार कर लिया है। प्रकरण में विधिवत गिरफ्तारी एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई के लिए जिला पुलिस भोपाल की टीम श्रीनगर पहुंच चुकी है। पुलिस को 12 जुलाई को 5 नाबालिग लड़कियां संदिग्ध हालत में घूमती हुई मिली थी। पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो पता चला कि प्यारे मियां ने पार्टी करने के लिए बुलाया और शराब पिलाकर उनके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद जांच शुरू हुई तो पता चला कि वो भूमाफिया है और लड़कियों को अधिकारियों के पास भेजकर जमीनों पर कब्जा करता है। इसके बाद भोपाल प्रशासन ने उसकी संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू कर दी और एक शादी हॉल और फ्लैट पर बुलडोजर चलाया। कल से तहसील पे था, वो प्रेस हुआ तो वहाँ की पुलिस से संपर्क किया, उनने उसे बिठा लिया। हमारी पुलिस भी पहुँच गई है, बातचीत शुरू हो गई। हमारी पुलिस अभी 1 बजे उतरी है वहाँ से, मैं समझता हूँ सुबह तक आ जाएगा वो, पर कल आ जाना चाहिए। आने के बाद में बाकी इसके बाद में उसे और पूछताछ होगी, उसके बाद निर्णय लेंगे। घटना के बाद से ही प्यारे मियां फरार था, जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में थी। जांच में यह भी पता चला है कि प्यारे मियां नाबालिग लड़कियों के साथ ही शारीरिक शोषण करता था। जब वो बालिग हो जाती तो उनकी शादी करा देता था। इस मामले में स्वीटी विश्वकर्मा नाम की महिला भी उसका साथ दे रही थी। वहीं लड़कियों को लेकर उसके पास आती थी और प्यारे उन्हें नौकरी देने के बहाने उनका शोषण करता था। वे लड़कियों के माता पिता को भी लोन के नाम पर पैसा देता था और फिर उन्हें अपना शिकार बनाता था। प्यारे के इस काम में कुछ कथित पत्रकार और सफेदपोश भी जुड़े हुए हैं, जिनके नामों का पुलिस ने खुलासा नहीं किया है। हाँ, हमारे पास सोर्सेस इंफॉर्मेशन थी कि उसका लोकेशन श्रीनगर में आ रहा था, तो वहाँ के लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके उसे पकड़ लिया गया है। अभी एक टीम डिस्पैच भी की गई है, वो सारे लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए उसको यहाँ पर लेके आ जाएगा। कब तक लाया जा सकता है उसको? लेट्स सी, आज शाम, आज रात, टुमारो मॉर्निंग। अभी संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।